गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड सेम। तो कल आपकी क्लास हुई थी टॉपिक क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, इफिशियंट क्रॉपिंग सिस्टम एंड देयर इवैल्यूएशन। ये जो आपका बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड सेम का कोर्स, उसके अंतर्गत कल तक जो कोर्स में आगे आपके क्लास में हुआ था उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। बट उसके पहले जो कल का था उसको एक बार हम उसको बताएंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम में आपका मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग मीन्स जो पर्टिकुलर सीजन फील्ड में जहां पे हम दो या दो से अधिक क्रॉप्स के सीड को मिक्स करके सोइंग करते हैं वो आपकी होती मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में कौन कौन सी क्रॉप्स जो हम उसमें सम्मिलित करते हैं, फर्स्ट मिक्स क्रॉप्स। मिक्स क्रॉप मीन्स हम खरीफ सीजन या रबी सीजन या जायद सीजन में दो या दो से अधिक क्रॉप्स के सीड को मिक्स करके उसकी ब्रॉडकास्टिंग मेथड या लाइन सोइंग मेथड्स या रेस मेथड्स के द्वारा वहां पे हम उसकी सोइंग करते हैं तो आपकी होती है मिक्स क्रॉप्स। एंड नेक्स्ट सेकेंड कंपेनियन क्रॉप्स। कंपेनियन क्रॉप्स में दो रो के बीच में फील्ड में दो रो के बीच में जब वहां पे जिस क्रॉप की सोइंग की जाती है, जस्ट एग्जाम्पल मस्टर्ड की दो रो के बीच में वी गेहूं की नाइन रो को हम उसमें सोइंग करते हैं। इस तरीके से जब हम वहां पे मिक्स क्रॉपिंग में क्रॉप्स को सेलेक्ट करते हैं तो कंपेनियन क्रॉप्स के अंतर्गत उसको लिया जाता है। एंड नेक्स्ट गार्ड क्रॉप, जिस एरिया में हम कल्टीवेशन कर रहे हैं वहां के सेंट्रल एरिया में जो बीच में मुख्य क्रॉप को हम सोइंग करते हैं और उसके चारों तरफ टू आर थ्री आर फोर रो की जब हम सोइंग करते हैं, ऐसी क्रॉप होनी चाहिए जो हॉडी क्रॉप हो एंड स्पाइनी का कांटेदार, जिससे कि जो हमारी मेन क्रॉप है सेंटर में जो हमारी मेन क्रॉप है प्रोटेक्शन हो सके। नेक्स्ट एगमेंटी क्रॉप्स को बोलते हैं वर्धित फसलें। वर्धित फसलों में मीन्स जब दो या दो से अधिक क्रॉप्स को जो हम एक साथ संबंधित करते हैं, एग्जांपल बरसीम के साथ जापानी मस्टर्ड, जो कि बरसीम की फर्स्ट कटिंग में प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम जापानी मस्टर्ड का उसके साथ मिक्स करके सोइंग करते हैं जो फर्स्ट कटिंग में प्रोडक्शन इंक्रीज हो बढ़े। तो कल यहां तक हुआ था। नेक्स्ट आपका इंटेंसिव क्रॉपिंग।
इंटेंसिव क्रॉपिंग को हिंदी बोलते हैं सघन खेती। सघन खेती मीन्स वन ईयर में जो सीजन खरीफ रबी एंड जय तीनों सीजन में फील्ड को बिना छोड़े जो हम कंटिन्यू उसमें क्रॉप्स को लेते रहते हैं तो वहां पे इंटेंसिव क्रॉपिंग के अंतर्गत वहां पे उसको लेते हैं। बट एक चीज का उसमें विशेष ध्यान होना चाहिए कि जो हमारी फील्ड है उस फील्ड में फर्टिलिटी लेस ना हो। अगर फर्टिलिटी लेस होगी तो क्रॉप का प्रोडक्शन उत्पादन कम मिलेगा। लेस इसलिए वहां पे हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इंटेंसिव क्रॉपिंग में जब हम क्रॉप को कंटिन्यू कल्टीवेशन कर रहे हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। इंटेंसिव क्रॉपिंग के अंतर्गत उसके डिफिनेशन भी आप साथ में लिखते चले नोट करते चले। इंटेंसिव क्रॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ए नंबर ऑफ क्रॉप्स ऑन द सम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। द मेन ऑब्जेक्ट is the increase income per unit area within a specific period of time. Means different crops को एक निश्चित period समय में एक ही field में उगाने की क्रिया को या प्रोसेस को सघन खेती करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक निश्चित टाइम में पर यूनिट एरिया से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हो। एग्जांपल पैडी वीट एंड मेज पोटैटो। जब हम खरीफ में मेज की क्रॉप को लेते हैं उसके बाद रबी में पोटैटो लेना चाहिए और जायद में नेक्स्ट हम दूसरी क्रॉप या तो वेजिटेबल्स हो या आइल्स क्रॉप सनफ्लावर या पल्स में मूंग बीन ऐसे क्रॉप को जो हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट उसी के अंतर्गत आपका है फर्स्ट मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग को नहीं बोलते हैं बहुफसली खेती। बहुफसली खेती यानी एक टाइम पीरियड में वहां पे दो या दो से अधिक फसलों को एक क्रम में सिक्वेंस में उगाते हैं उसे मल्टीपल क्रॉपिंग के रूप में लेते हैं। इट इज ए क्रॉपिंग सिस्टम इन विच टू आर मोर क्रॉप टू आर मोर क्रॉप आर ग्रोइंग इज सक्सेस ऑन ए सम piece of land within a year called multiple cropping. Multiple cropping जिसमें एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें एक sequence में उगाते हैं
उसी मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। एंड नेक्स्ट, मल्टीपल क्रॉपिंग के अंतर्गत रिले क्रॉपिंग एंड पैरेलल क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग उसको बोलते हैं जब कंटिन्यूअस सीक्वेंस में एक वर्ष में हम फील्ड में विदाउट सॉइल फर्टिलिटी को लॉस किए, वहां पे जब हम प्रोडक्शन उसको लेते हैं तो आपकी रिले क्रॉपिंग होती है। रिले मीन्स आप जो देखते हैं रिले रेस के रूप में कि हम फील्ड को वहां पे हमेशा जैसे मेज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, उसके बाद अर्ली पोटैटो, फिर उसके बाद लेट वीट रबी में, एंड जैर में कोई वेजिटेबल क्रॉप्स या मूंग बीन, जब हम कंटिन्यूअस उस वन ईयर के ड्यूरेशन में हम क्रॉप को लेते जाते हैं तो आपकी होती है रिले क्रॉपिंग। ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप्स कंटिन्यूअस ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ इच क्रॉप, ए सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप हैज रीच्ड इट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज बट बिफोर इट इज रेडी फॉर हार्वेस्ट। एग्जाम्पल मेज आर लिमिटेड टू वीट एंड मूंग। एंड नेक्स्ट बी मल्टीपल क्रॉपिंग में पैरा क्रॉपिंग। पैरा क्रॉपिंग मीन्स वहां पे आप उसको देखते हैं उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग या पैराक्रॉपिंग। पैराक्रॉपिंग उसी बोलते हैं तेरा कल्टिवेशन। जब फील्ड में ऐसी कंडीशन जहां पे रेनफेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत ड्राई लैंड फार्मिंग हमें जो करना है, तो रेनफेड एरिया में जो खरीफ सीजन में आपको वाटर अवेलेबल होता है और नेक्स्ट रबी सीजन में जब हम ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं तो मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए अच्छे तरीके से ताकि हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन ड्राई लैंड में मिल सके, तो पैडी क्रॉप को जब उसमें हम कल्टीवेशन खरीफ में करते हैं तो उसके हार्वेस्टिंग जब फील्ड में पैडी क्रॉप स्टैंडिंग कंडीशन में है तो बिफोर 15 डेज 15 दिन पहले क्रॉप के हार्वेस्ट होने से 15 दिन पहले हम वहां पे कोई ऐसी क्रॉप जो कम वाटर रिक्वायरमेंट वाली हो, कम वाटर रिक्वायरमेंट में लिंसेड एंड लेंटिल और उसके बाद बरसीम, ऐसे क्रॉप को हम उस फील्ड में ब्रॉडकास्ट करते हैं, छिड़क देते हैं। और जैसे ही पैडी की क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं तो जो हमारी सेकेंड क्रॉप है उसका सीडलिंग्स फील्ड में दिखाई देते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, जैसे आप जो देख रहे हैं कि फर्स्ट क्रॉप को यहां पे हमने हार्वेस्ट करने के पहले दूसरी क्रॉप को यहां पे हम उसकी सोइंग कर देंगे, उसको बोलते हैं ओवरलैप क्रॉपिंग या It is a system of cropping in which successive crop is shown in the preceding crops this before harvesting one crop, the second of the next crop or sowing.
example paddy methyrus, paddy bursane and paddy linsen. Next, intercropping. इंटरक्रॉपिंग जहां पे हम जो देखते हैं कि फील्ड में खरीफ क्रॉप हो या रबी क्रॉप हो या जायद क्रॉप में एक से दो फसल यानी टू क्रॉप्स को जो उसमें हम सम्मिलित करते हैं तो वहां पे इस चीज का ध्यान देते हैं कि दोनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए, हाइट में एक हाइटेड क्रॉप हो और दूसरी शॉर्ट हाइटेड क्रॉप हो. दिस इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सब्सिडरी क्रॉप्स बिटवीन टू वाइडली स्पेस स्पेस रो ऑफ मेन क्रॉप्स. The main object of this type of cropping is to be utilize the space left between two row of main crop and to produce more even per unit area. एग्जाम्पल मेज के साथ मोम, मेज ब्लैक ग्राम एंड मेज शोरगम एंड रबी सीजन में शुगर केन पोटैटो. किस तरीके से आप क्रॉप को उसमें सम्मिलित करते हैं वो आपकी इंटरक्रॉपिंग के रूप में वहां पे उसको करते हैं. एंड नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग में फोर टाइप्स के उसमें जो देखते हैं क्रॉपिंग होती है. जो फर्स्ट है पैरेलल क्रॉपिंग. पैरेलल क्रॉपिंग में आप देखते हैं कि वहां पे हम जो उसका प्रोडक्शन लेते हैं इस क्रॉपिंग सिस्टम में दो ऐसे क्रॉप्स का सिलेक्शन किया जाता है जिनकी ग्रोथ डिफरेंट होती है जिससे दो क्रॉप में कंपटीशन वहां पे 0% होता है. इसलिए ऐसे दोनों क्रॉप्स अपनी वहां पे पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रदर्शित करते हैं. एग्जांपल मेज के साथ ब्लैक ग्राम एंड मेज के साथ मूंग बीन. And next, companion cropping. Companion cropping में इस cropping system में एक crops का production दूसरे से affected नहीं होता है. इस प्रकार दोनों crops की प्रति इकाई क्षेत्र per unit area प्लांट पॉपुलेशन उनके प्योर क्रॉप्स के बराबर रखी जाती है. जस्ट एग्जांपल ऑटमन शुगर के जो शरद कालीन गन्ना के साथ मस्टर्ड या शरद कालीन गन्ने के साथ पोटैटो. नेक्स्ट मल्टी स्टोन क्रॉपिंग सिनर्जेटिक क्रॉपिंग. तीसरा सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में आप देखते हैं प्रति इकाई पर यूनिट एरिया के आधार पर दोनों क्रॉप्स का प्रोडक्शन एक साथ लेने पर इनके प्योर क्रॉप्स की अपेक्षा अधिक प्रोडक्शन मिलता है. जस्ट एग्जाम्पल शुगर केन प्लस पोटैटो. नेक्स्ट मल्टी स्टोन क्रॉपिंग. मल्टी स्टोन क्रॉपिंग
बहुमंजिली खेती जिसको बोलते हैं। इस क्रॉपिंग सिस्टम में डिफरेंट हाइट वाले प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है, जिनकी अब देखते हैं कि हाइट डिफरेंट हो, एक की शॉर्ट और दूसरे की हाइट है। उस कंडीशन में इस क्रॉपिंग सिस्टम में डिफरेंट हाइट वाले प्लांट को एक फील्ड पे एक ही साथ उगाने की क्रिया को मल्टी स्टोर क्रॉपिंग कहते हैं। एग्जांपल, गार्डन एंड ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स में किया जाता है, जहां पे सनलाइट का सही सही उपयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल, दैट्स ऑल।